तेरे माँ बाप। मुझे मालूम है नानी माँ, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मुझे राजी खुशी की चिट्ठी कौन भेजता था? वो चिट्ठियां तुम्हें मैं लिखता था राजू बेटा। लेकिन क्यों? क्योंकि एक रात कम्बो ने बंदूक की नोक पर मुझसे वादा लिया था कि तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब मैं राजी खुशी में देता रहूं, ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग में कोई रुकावट ना पड़े। फिर तो आपको यह भी पता होगा कि मेरी माँ कहां पर है। पुराने किले को पार करके खंडहर के पीछे हो सकता कोई सुराग मिल जाए। मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ मान सिंह, इसे गोली मत मारना। इस सरकारी भेड़िये को सरदार के पास ले चलो, ले चलो इसे। तेरा वक्त तो आ गया। बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं सिर्फ एक बार डाकू कम्बो से मिलना चाहता हूँ। साल कम्बो का आसिक लगता है। ए गबर सिंह जी, जा रे कम्मो को बुला ला। मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आंच ना आए, मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आंच ना आए। है एक दुआ मेरी, दिन रात दुआ मेरी, खुदा खुशियों के फूल बरसाए। मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आंच ना आए, मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आंच ना आए। वो जगह है बेटा जहाँ पर तेरे पिता को जिंदा जलाया गया था और मेरी इज्जत लूटी। बस माँ बस। माँ तुम इन डाकुओं का साथ छोड़ दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, ताकि मैं तुम्हें अदालत में पेश करके तुम पर हुए जुल्मों का हिसाब चौधरी से ले सकूं। बेटा तुम्हारा कानून चौधरी को सिर्फ गिरफ्तार कर सकता है, उसको उसके किए की सजा नहीं दे सकता, क्योंकि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए और चौधरी के खिलाफ तुम्हें कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा। तू उसकी चिंता मत कर माँ, तू उसकी चिंता मत कर, चौधरी के खिलाफ सारे सबूत मैं इकट्ठा करूंगा। मैं अगर तुम चौधरी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर भी लोगे तो क्या तुम और तुम्हारी सरकार चौधरी को यहाँ जिंदा जलाने की इजाजत दे सकती है? नहीं माँ नहीं, मेरी सरकार ये पाप नहीं कर सकती माँ, और ना ये पाप मैं तुझे करने दूंगा। लेकिन कम्मो ये पाप जरूर करेगी, क्योंकि मैंने अपने पति की जलती हुई चिता की कसम खाई है कि जब तक चौधरी को इसी जगह जिंदा नहीं जलाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और माँ मैंने भी अपने पिताजी को वचन दिया था कि इंस्पेक्टर की वर्दी पहनने के बाद किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। मगर कम्मो कानून को हाथ में जरूर लेगी। माँ मुझे मजबूर ना कर कि मैं कानून का सहारा लेकर तुझे गिरफ्तार कर सकूं। रुक जा माँ, माँ मुझे मजबूर ना कर कि अपने फर्ज को पूरा करने के लिए मुझे अपनी माँ की कुर्बानी देनी पड़े। बेटा तू अपना फर्ज
पूरा कर और मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने दे। आज के बाद जब भी हम दोनों मिलेंगे, माँ बेटे की हैसियत से नहीं, इंस्पेक्टर राजू और कम्मो डाकू की हैसियत से मिलेंगे। रुक जा डाकू कम्मो।